तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स। आप सभी को मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लें। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब एक्सटर्नल डेटा सोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि अगर आप पिवट लगाते हैं तो पिवट में क्या प्रॉब्लम होती है। पिवट लगाते समय दो प्रॉब्लम, लगाते समय एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका कोई हेडिंग ब्लैंक है तो पिवट आपका नहीं लगेगा। अगर आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं, आपने पिवट लगा भी दिया, तो एक प्रॉब्लम होती है कि आप जैसे में पिवट में मान लीजिए कि हमने रख दिया जोन या कुछ रख दिया, अगर डेटा के अंदर में किसी तरह का हम चेंज करते हैं, मतलब कि नए चेंज करते हैं, तो आप रिफ्रेश इस पे करते ही आपका डेटा अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर मैं कोई नया डेटा ऐड करता हूं यहां पे, तो आपको पिवट में नहीं होता, क्योंकि पिवट लगा होता है 1783 पे और डेटा आप इससे आगे करते हैं, तो मतलब कि आपको पिवट को वापस रीसाइज करना होता है एनालाइज में जाके, या एनालाइज में गए और यहाँ चेंज सोर्स डेटा पे गए और वापस रीसिलेक्ट करना होता है डेटा को। तो इस चीज से दूर रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे जो पिवट लगे वो डेटा जैसी अपग्रेड हो तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को अपडेट कर ले। तो उस केस में हम इंसर्ट करेंगे पिवट टेबल और यहाँ यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे जाएंगे, चूज कनेक्शंस पे आएंगे, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ जहां पे आपने अपने डेटा को सिलेक्ट कर रखा है, सेम डेटा भी ले सकते हैं आप, अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ओपन करते हैं। अब क्या है कि आपको यहाँ से सीट चूज करना होगा कि एक बार में किसी एक सीट से ही डेटा लगेगा, इसलिए आपको यहाँ पे सीट चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा जो डेटा सीट सीट वन पे है उसको चूज करता हूँ, एंड ओके एंड ओके। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसको इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने जोन को उठाया, क्वांटिटी में रखा और फिर क्वांटिटी को उठाकर वैल्यू में रखा, ये रिपोर्ट बना हुआ है। मैं एक नया डेटा एंट्री यहां करता हूं, 1782 क्वार्टर वन, यहाँ पे एनसीआर एक नया जोन देता हूँ एनसीआर, और बाकी रिकॉर्ड्स हम सेम रखते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब मुझे बस अपने डेटा को एक बार रिफ्रेश करना है। देखिए एनसीआर आ गया, हमें पिवट में एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कि डेटा को पिवट को वापस रीसाइज करने की, रीसिलेक्ट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है सर, समझ में आया? हेलो उदय जी। यस सर, समझ में आ गया आपको कैसे करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल मेथड क्यों लगाएंगे? दूसरा, अगर आप बार बार रिफ्रेश नहीं करना चाहते हो तो डेटा मेनू बार में जाइए, कनेक्शन पे जाइए और इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, और यहाँ पे आप रिफ्रेश लगा सकते हैं कि रिफ्रेश एवरी 60 मिनट या 5 मिनट, वो ऑटोमेटिकली वो फाइल आपका रिफ्रेश होते रहेगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है कि इसकी जरूरी नहीं है कि हमें इसके डेटा को बार बार ये एक्सटर्नल सोर्स में लेना पड़े। अगर आप डेटा को एज ए टेबल जनरेट टेबल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि इंसर्ट में टेबल है ना आपका, टेबल में कन्वर्ट कर दिया, तो भी आप अगर पिवट लगाते हो तो अपने आप टेबल रीसाइज हो जाता है, डेटा एंट्री करते हो तो रीसाइज हो जाता है, अगर ना करे तो यहाँ से रीसाइज कर सकते हो, तो आपको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब टेबल के साथ आप करते हो तो डेटा को बार बार रेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिना एक्सटर्नल लगाए। लेकिन ध्यान रखिएगा टेबल में आना चाहिए, कोई नया एंट्री आप कर रहे हो तो टेबल में आ ही जाता, अगर नहीं आया तो आपको साइड दिख रहा आपको डेटा डालते समय, इसको यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज करते हो टेबल में वो सारा डेटा आ जाएगा। तो ये रही टेबल की बात। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सटर्नल डेटा सोर्स और
एक्सटर्नल पिवट टेबल और किन कारणों से लगाए थे हैं। एक कारण तो मैंने बताया कि मेरा डेटा ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें हम दूसरा इसका पहलू देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस में एक बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, और जब भी आप उस डेटा को ओपन करते हैं तो ओपन होने में काफी टाइम लेता है, और जैसे अपने डेटा को मतलब कि उसमें कुछ पिवट पिवट करते हो तो काफी ज्यादा हैंग होता है। तो आप चाहते हैं कि वो मेरा पिवट जो है वो इस तरह से हैंग ना हो, ठीक है? तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम एक्सटर्नल पिवट टेबल, मतलब हम फाइल को बिना खोले हम इस फाइल में लगाएंगे। पहले रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन हुआ कि अगर आप पिवट लगा तो मतलब कि कोई डेटा है वो डेटा आप सबको शेयर कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पर्सन है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से है और हो सकता है कि आपके फाइल के साथ कोई कुछ तरह का छेड़खानी कर दें, डिलीट विलीट कर दें, तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो आप चाहते हैं कि किसी को डेटा एडिट मोड में ना मिले, तो पिवट टेबल पे हम जाएंगे और यहाँ पे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस और अपनी फाइल को सिलेक्ट करोगे जो फाइल पड़ी हुई है आपका, और आप पिवट लगा लोगे। मैं एक तो आप सेम फाइल में लगा सकते हो, दूसरा एक फाइल से अनदर फाइल पे भी आप पिवट लगा सकते हो। यही नहीं, अगर मान लीजिए कि आपका डेटा एक्सेस में पड़ा हुआ है, अब एक्सेस में डेटा क्यों पड़ा रहेगा? देखिए ये आपका एक्सेल जो है ये डेटाबेस नहीं है, एक रिपोर्टिंग टूल्स है, लेकिन आपको अगर डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस में डेटाबेस फॉर्मेट में चाहिए, या फिर क्या होता है कि 10 लाख से ऊपर की जो बड़ी डेटा होता है उसको लोग एक्सेस में डाल देते हैं, तो एक्सेस में या फिर बहुत सारे क्यूरी वगैरह हम एक्सेस में कर लेते हैं, तो आप अपना पिवट एक्सेस के थ्रू भी लगा सकते हैं। लगाने का सिंपल तरीका जैसे आपने एक्सेल की फाइल सिलेक्ट की थी उस तरह से आप यहाँ एक्सेस की फाइल को सिलेक्ट कर ले। जैसे मैंने यहाँ पे एस डेटा सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन, हमने यहाँ पे डेटा वन को सिलेक्ट किया एंड ओपन, एक्यूरी भी ले सकते हैं आप, एंड ओके कीजिए, आपका पिवट टेबल उस डेटा से लग चुका है जो कि एक्सेस में पड़ा हुआ है। यही नहीं, अगर डेटा आपका SQL सर्वर में पड़ा हुआ है तो भी आप ले सकते हो, या ऑरेकल में पड़ा हुआ है, जैसे कि SQL सर्वर या फिर कोई अदर सर्वर की बात करें तो आपको यहाँ न्यू सोर्स पे जाना होगा। न्यू सोर्स पे जाए और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, इसमें अपना सर्वर नेम डालेंगे कि IPT एंड यहाँ पे IPT, ये हमारा सर्वर नेम है। अभी क्या है कि मेरा जो सर्वर है ये लोकल होस्ट है, मतलब कि जिस PC में मैं यूज कर रहा हूँ सर्वर उसी PC में इंस्टॉल है। लेकिन ऑफिस में क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर होते हैं कि वो इंस्टॉल किसी और PC में होते हैं और कोई और लोग यूज करता है क्लाइंट के रूप से, तो क्लाइंट सर्वर होता है। तो लोकल होस्ट में तो विंडो ऑथेंटिकेशन चल जाता है, क्लाइंट सर्वर में आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस, जोन सा आप डेटाबेस चाहिए वो डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उस डेटाबेस के जितने भी टेबल्स हैं वो टेबल को सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट एंड फिनिश। यस कीजिए, ये आपका पिवट टेबल लग जाएगा। पिवट टेबल कहां से लग गया? MS Access से। अब यही नहीं, आपके एक FTP मतलब कि एक इंटरनेट की लोकेशन पे कोई फाइल पड़ी हुई है, जैसे मैं गूगल करूं आपका यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लिखता हूं पिवट टेबल डॉट XLS। अब देखिए इसी पाथ को लीजिए, पिवट टेबल स्पेशल एग्जांपल है, ये पाथ पे ये फाइल पड़ा हुआ है, मुझे हर बार इस फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है और फिर इस पे पिवट और बाकी चीज लगाना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट जो है पिवट टेबल में करें
choose external data source में choose connections, browse for more, और यहाँ file name पे पूरी path को डाल दे। अब जरूरी नहीं कि path web path ही होगा, database का path तो आप तो रही है, use कर सकते हैं। और इसको open कीजिए। And okay. And okay. ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है? So, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं कैंसिल कर दिया था, आई थिंक मैं इस पाथ को पेस्ट किया एंड ओपन कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। अब इसमें से आप सेलेक्ट कर ले अपना डेटाबेस एंड ओपन एंड ओके। देखिए याद रखिएगा, जब भी आप एक्सटर्नल डेटाबेस लगाते हैं तो आपका जो हेडिंग है वो आपका हेडिंग पहले नंबर रो पे होना चाहिए, पहले नंबर रो पे होना चाहिए। अगर पहले नंबर रो पे नहीं है तो दिक्कत है। क्लियर सर? हाँ सर, आगे बढ़िए। इस तरह से आप अपना ले सकते हैं। इसी में अगर आपका ओरिकल है या कोई और डेटा सोर्स है तो उसको भी आप कर सकते हैं पिवट टेबल, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, यहाँ हम करते हैं ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ न्यू सोर्स में से ओरिकल है तो ओरिकल ले सकते हो, मेरे पास ओरिकल नहीं है, ओडीबीसी है, कोई डेटा फीड है या फिर कोई अदर है तो अदर में डालिए और अपना डेटा कनेक्टिविटी डालिए और अपना फॉलो कीजिए सर। ये हमारा एक्सटर्नल डेटा सोर्स होता है कि किसी डेटाबेस को एज ए पिवट आप कैसे इंपोर्ट करोगे डायरेक्ट। ये साथ में लिंक भी होता है, यही नहीं सर कि ये आपका जस्ट पिवट लगा देगा। अगर आपका वो डेटाबेस अपडेट होता है तो ये भी अपने आप को अपडेट करेगा, ठीक है सर? तो ये एक्सटर्नल पिवट टेबल पे आप लोग एक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैंने आपको दो वीडियो स्लाइसर्स की भेजी है वो स्लाइसर्स की वीडियो पे आप एक बार ध्यान देके देख लें, फिर हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे स्लाइसर। और स्लाइसर पढ़ाने से पहले जान लो कि स्लाइसर पढ़ने के लिए आपके सिस्टम में 2007 और से अपर वर्जन होने चाहिए, क्योंकि स्लाइसर जो है वो 2007 में नहीं है। तो आप लोगों के पास 2007 है तो फिर एक क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। अगर सर ईमेल करेगा स्लाइसर का वीडियो। हाँ ठीक है, ठीक है, तो इसको कीजिए, ठीक है सर? कल मिलते हैं स्लाइसर्स में। और जो स्टार्ट्स की जो क्लास थी उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं दोबारा आपको दे दूंगा जब आपकी बैच में आप पहुंचेगी तब। हेलो, हाँ बोलिए सर, हम इसमें जाएंगे क्या फॉर्मेट में वापस एक बार, वो कॉम्बो बॉक्स देखने के लिए? कॉम्बो बॉक्स देखने के लिए मतलब समझा नहीं। कॉम्बो बॉक्स का साइज वो ये करना था ना। हाँ चेक बॉक्स था, हाँ क्या करना था इसको? इसमें फॉर्मेट में ये साइज है ना, राइट साइड में सर, साइज सर, ये साइज जो है ना सर, ये टेक्स्ट की साइज नहीं है। इसमें भी अगर आप बात करते हैं तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की साइज नहीं, साइज कहाँ है, टेक्स्ट अल्ट टेक्स्ट है इसमें,
साइज, टेक्स्ट की साइज कहाँ बढ़ा पा रहे हैं आप इसमें? सर यहाँ से भी टेक्स्ट की साइज नहीं दे रही है। तो मैंने भले बोल दिया नहीं होगा टेक्स्ट की साइज में, ठीक है ओके सर। वैसे मैं रिसर्च करता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो बताता हूँ आपको। ओके सर, ओके ओके, बाय, गुड नाइट।